जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग करेंगे कक्षा 7वीं हिंदी की पाठ पुस्तक में पाठ 5। पाठ पाँच का नाम है पोठी। तो पहला प्रश्न कहता है कि बुधन क्यों खुश था, उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि बुधन को मछली फंसाना बहुत अच्छा लगता था और रात को अच्छी बारिश हुई थी। बुधन को खुशी था कि गांव के दोहर से निकले नाले में पानी भर जाएगा और नदी नदी की मछलियां खेतों की ओर आएगी, फिर वह मछली को झोरी में फंसाएगा। बुधन को यह सोचकर खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। दूसरा प्रश्न कहता है कि बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई मंगल था। वह अपने बड़े भाई से बहुत कुछ सीखता था, खेती बाड़ी के तौर तरीके, पालतू पशुओं की देखभाल, मछली पकड़ना, हल जोतना, शिकार करना इत्यादि कार्य उसने मंगल से ही सीखे थे। और मंगल भी अपने छोटे भाई बुधन को बहुत अधिक प्यार करता था। तो आप अपना आदर्श किसे मानते हो जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो? आप अपना आदर्श APJ अब्दुल कलाम साहब को मान सकते हो, आप अपना आदर्श अपने शिक्षक को मान सकते हो, आप अपने आदर्श अपने माता पिता को भी मान सकते हो जिससे आप कुछ सीखते हो, कुछ अच्छी बातें हैं, ठीक है, तो उसे आप अपना आदर्श मान सकते हो। बुधन अपना आदर्श अपने बड़े भाई को मानता था। आप सभी कमेंट में बताइए कि आप अपना आदर्श किसे मानते हो। तीसरा प्रश्न कहता है कि अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते हैं, लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि अब की नई पीढ़ी खेती बाड़ी को नहीं करना चाहती क्योंकि अब खेती में उत्पादित वस्तुओं का किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। किसान काफ़ी मेहनत से फसल लगाते हैं, महंगी महंगी खाद उर्वरक देकर जी जान से खेती करते हैं, परंतु उन्हें उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितने की उन्हें उम्मीद होती है। अब वैसे भी देखोगे कि जब जैसे कि आप वैसे जब मौसम नहीं होता है, आलू की उदाहरण ले लो, जब मौसम नहीं रहता है तो आलू का दाम 15 रुपये, 16 रुपये, 20 रुपये तक रहता है और कभी कभी तो यह 40 तक पहुँच जाता है। तो सभी किसान क्या करते हैं, आलू की खेती करना शुरू करते हैं और जब सब तरफ आलू अलग हो जाता है तो वही आलू 5 रुपये, 6 रुपये में बिकने लगता है। तो इससे किसान क्या हो जाता है, उसका मनोबल भी टूट जाता है कि तो वह इतनी मेहनत से करके खेतों में खाद पानी उर्वरक दे करके पशुओं से देखभाल कर करके इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसे उपज का उतना मुनाफा नहीं मिल पाता है। इस कारण क्या करते हैं, कई लोग तो खेती बाड़ी छोड़ करके दूसरे अन्य कार्य करने लगते हैं, जैसे कि कोई मजदूर बन जाता है, मजदूर भवन निर्माण के मजदूर बन जाते हैं इत्यादि। तो इस कारण किसानों का उम्मीद भी टूट जाती है, मनोबल टूट जाता है, फलस्वरूप आजीविका चलाने के लिए किसान खेतों को छोड़कर दूसरे कार्य करने लगते हैं, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या चार कहता है कि खेतों से छोटी मछलियां क्यों गायब हो रही है, उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो इसके उत्तर में लिखोगे कि लोग अब खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे हैं, इसका विपरीत असर छोटी मछलियों पर दिखने लगा है। छोटी मछलियां इन रासायनिक उर्वरक की बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और दम तोड़ देती है। इन्हें बचाने के लिए हमें प्राकृतिक खाद जैसे गोबर हो गए, कंपोस्ट हो गया इत्यादि का उपयोग करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यह था प्रश्न संख्या चार, पाठ 5 समाप्त हुए, पाठ 5 के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। आशा करता हूँ कि आप सभी ने पाठ को पढ़ा होगा। इसके आगे प्रश्न भी हैं कि पाठ के आगे कुछ प्रश्न हैं भाषा संदर्भ, उसे आप लोग कहोगे तो मैं करा दूंगा। ऐसे आप लोग जब उस प्रश्नों को पढ़ोगे तो आपको ये प्रश्न उतने कठिन नहीं है। तो धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।